नेटो पर भड़का चीन, कहा अपने वादे पर टिके संगठन रूस को हाशिए पर धकेलने के होंगे भयानक नतीजे। चीन के डिप्लोमेट ने कहा है कि प्रमुख देश को खास तौर पर परमाणु संपन्न देश को हाशिए पर धकेलने का भयानक परिणाम होगा जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। चीनी डिप्लोमेट ने कहा है कि नेटो को अपने दावे पर अडिग रहना चाहिए जिसमें उसने वादा किया है कि वो पूर्व दिशा की ओर विस्तार नहीं करेगा। चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने शनिवार को दिए भाषण में यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के जवाब में पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर सख्त पाबंदियों की आलोचना करते हुए कहा है कि यूक्रेन युद्ध की जड़ में दो गुटों की मानसिकता और ताकत की राजनीति है। क्रेमलिन, रूसी सरकार का मुख्यालय, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थन में कहा है कि नेटो को विघटित करना चाहिए था और वॉर्सी संधि के साथ इतिहास में भेजना चाहिए था। चीनी डिप्लोमेट ने हालांकि ये कहा कि नेटो को तोड़ने के बजाय मजबूत और विस्तार किया गया है और इसने यूगोस्लाविया, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कोई भी इस रास्ते के नतीजों का अनुमान लगा सकता है। यूक्रेन संकट कड़ी चेतावनी है। यूचेंग ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में यूक्रेन के पक्षों को राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने और चल रहे संवाद और वार्ता को जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और नेटो को रूस से संवाद करना चाहिए ताकि यूक्रेन संकट का समाधान किया जा सके और रूस और यूक्रेन दोनों की सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सके। What?